हाय फ्रेंड्स, घर सा खाना में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, मिनटों में तैयार हो जाने वाली बैंगन के पकौड़े या बचका की रेसिपी। हमारे तरफ इसे बचका कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसे क्या बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना इसे उतना ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिससे आप बैंगन का भरता बनाते हैं ना, ये वही वाली बैंगन है। तो ये मैंने एक गोल बैंगन ले लिया है, ये इसकी डंठल मैं हटा दे रही हूँ और इसे गोल गोल टुकड़ों में काट ले रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने काट लिया है। अब एक बाउल में मैंने आधा कप चावल का आटा ले लिया है और एक चौथाई कप बेसन ले लिया है और ये एक चम्मच छोटा चम्मच हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है और ये स्वादानुसार नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दे रही हूँ और ये एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच हींग डाल दे रही हूँ और ये एक छोटा चम्मच अजवाइन मंगरेल में मसल मसल कर डाल देती हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से घोलना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए, ये इसका गाढ़ा घोल मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैंने कुकिंग सोडा ले लिया है, जिसे आप मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ एक पिंच डाला है। अब इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इससे हमारा बचका बहुत ही कुरकुरा बनेगा। अभी हम मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये बैंगन के टुकड़े मैं बेसन में लपेट कर उसमें डाल दे रही हूँ। आँच हमें तेज ही रखना है, ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। इसे उलट पलट कर हम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। ये देखिए, ये इसका कलर कितना सुंदर आया है। आपको देखकर ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बना है। ये देखिए, ये तैयार है हमारा बचका। इसी तरह से ये सारे बैंगन मैंने तल लिए हैं। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें या आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बचका सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब आपको कुछ अच्छा खाने का मन करे तो ये क्विक, इजी और टेस्टी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। जय हिंद।